क्या कर रहे हैं मियाँ? अंडा पाव खा रहे मियाँ, कराची में अंडा पाव मिल रहा है मियाँ। बॉयल अंडे का चूरा इसके साथ मिक्स होगा। अच्छा 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 सही सही। अच्छा भाई आज हम मौजूद हैं PIB में, यहाँ हम ट्राई करने आए हैं इनका अंडा पाव। जाके देखते हैं, ये जो डिश है ये इंडिया में ज़्यादातर मिलती है मुंबई में, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं यहाँ पे उसका कैसा टेस्ट है और फिर आपको बता देंगे क्या नज़ारे हैं क्या माहौल है। अब वो मेकिंग स्टार्ट हो गई है अंडा पाव की। ये भाजी है, ये कांदा कांदा हाँ प्याज प्याज तो पहले ये प्याज को फ्राई करते हैं प्याज लाल करके। सही भाई, ये एक्सपीरियंस मैं मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ये जाके वहाँ पे ट्राई करता। मुझे दरअसल इंडियन जो खाने हैं ना मुझे बहुत शौक है, जुस्तजू है उसको खाने की, पर ये हमें यहाँ पे भी एक चांस मिल रहा है कि आपने यहाँ पे भी इंडिया के खाने लगाए हैं। अंदर में होता है अब इसके बाद ये बॉयल अंडा। अच्छा बॉयल अंडा मिलता है, ये बॉयल अंडे में बनता है। हाय हाय ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ ये बिल्कुल डिफरेंट है, बोलो ना कराची में कोई भी हाँ। बॉयल अंडे का चूरा इसके साथ मिक्स होगा। अच्छा 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 इंडिया में पाव भाजी बनाते हैं यार वैसे। हाँ आपने घी में बना रहे हैं वहाँ बटर में? हाँ अमूल का बटर, अमूल का बटर, अमूल का बटर में बनाई जाती है वो। तो फिर अमूल के बटर तो बहुत है ना, वहाँ उसका अपना जायका अपना फ्लेवर है भाई। अच्छा अभी ये है कि कोशिश हमारी पूरी होती है कि भाई यहाँ पर यहाँ के हिसाब से बना, यहाँ के हिसाब से। हाँ क्या बना रहे मियाँ? ये अंडा पाव बना रहा हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये तो बिल्कुल एक ही जैसी रवान लग रही है। आपको लैंग्वेज हमारी बहुत कम हो गई ना यहाँ के हिसाब से। अब ये मेरे ख्याल रायता डाले मियाँ जी है मियाँ। बड़ी बड़ी मजेदार लैंग्वेज है, मीठी और सुरीली। मीठी और सुरीली, एक ये और एक गुजराती, गुजराती वो बड़ी मीठी है। अच्छा भाई हैदराबादी खानों में मुझे लग रहा है शायद मसाले ज्यादा यूज होते हैं, ज्यादा मसाले वाले खाने पसंद करते हैं ज्यादा। मेरे ख्याल कराची में भी इतना नहीं पसंद करते होंगे जितना ये मुझे जिस तरीके से आपने डाले हैं ना इसमें मसाले, तो वो जो मुझे यार। अब ये तैयार हो गया इसका मिक्सचर, तैयार हो गया। अब ये पाव में जाएगा? नहीं पाव में नहीं जाएगा, ये डिशाउल होगा। अच्छा 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 सही सही। ये मतलब अलग तरीके से प्रोफेशनल नहीं ना, वहाँ खाया बिल्कुल जिस तरीके से खाया जाता है, फिर सर्व भी वैसे ही करना चाहिए, फिर उसको खाने का भी एक्सपीरियंस होता है ना, फिर मज़ा आता है खाने में। तो चटनी वगैरह आएगी और फिर ये रेडी टू ईट है, फिर खा के आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। क्या कर रहे हैं मियाँ? अंडा पाव खा रहे मियाँ, कराची में अंडा पाव मिल रहा है मियाँ। कहाँ से मिल रहा है मियाँ? PIB से मिल रहा है मियाँ, खा के देखते हैं कैसा है मियाँ। भाई फर्स्ट बाइट बना ली हमने अंडा पाव की, ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे मियाँ, आपको ओरिजिनल रिव्यू देंगे मियाँ फर्स्ट बाइट। वो 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 ओह फुल मसालों में लदपद। भाई आप देख सकते हैं मेरे पसीने कैसे छूट गए क्योंकि मसाले बहुत हैं इसके अंदर, तो इंडियन खानों में ख़ास तौर पे हैदराबादी खानों में मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने ट्राई किया है यार, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, बहुत मज़ा आया खाने का, हाईली रिकमेंडेड है आपको, लाजमी आपके PIB में आपने आके ट्राई करना है, यहाँ पर मज़ा आएगा। मियाँ लाजमी आना मियाँ, बहुत मज़ा आएगा मियाँ।